हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं हूँ आपका दोस्त कैलाश निषाद। आज हम एलईडी बल्ब रिपेयरिंग के बारे में बात करेंगे। तो हमारे पास ये तीन एलईडीज हैं, तो हम इसको रिपेयर करने वाले हैं आज। तो देखते हैं कैसे रिपेयर होगा, क्या क्या हुआ है इसको देखते हैं। पहले खोल के देखते हैं। तो इसको पहले टेस्ट कर लेते हैं आपको दिखाने के लिए कि पूरी तरह से डेड है। तो ये देखिए, ये मैं एक सही वाला एलईडी बल्ब चला के देखता हूँ। ठीक है, तो ये जल रहा है और ये नहीं जल रहा है। तो इसमें क्या खराबी है, खोल के देखते हैं। ऐसे करने से ये खुल जाएगा। किसी किसी में अच्छा ताकत लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, एक बल्ब ब्लैक हो चुका है। तो मैं इसको शॉर्ट करके देखता हूँ। यदि शॉर्ट करके जल जाता है तो हमारा अंदर का सर्किट जो है ठीक होगा। तो कुछ इस तरीके से मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। तो देखिए, अंदर का सर्किट भी ख़राब लग रहा है। तो हम इसको मल्टीमीटर के ज़रिए एक बार चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरा मल्टीमीटर, तो ये देखिए, इसमें कोई वोल्टेज शो नहीं कर रहा है। देखिए, तो इसके अंदर को खोलना पड़ेगा पहले। तो फिर आगे के टॉपिक के बारे में बात करेंगे। इसको रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसको जम्पर भी कर सकते हैं। जम्पर करने से इसमें क्या होगा कि ये जो एलईडी है 3 वोल्ट का जैसे है, तो 3 वोल्ट इन सभी में डिवाइड हो जाएगा। तो डिवाइड होने से क्या होगा कि इनको सभी को एक्स्ट्रा वोल्टेज मिलने लगेंगी। तो मिलने 3 वोल्ट ज़्यादा होगा, 3 वोल्ट से ज़्यादा होगा तो ये जल्दी ख़राब होने के चांस है, इसलिए हम इसको रिप्लेस कर देंगे। देखते हैं कैसे रिप्लेस करते हैं। पहले इसको खोल लेते हैं। इस तरीके से कुछ सील लगा हुआ है, ये देखिए। और इसको थोड़ा सा हटा लेता हूँ। ठीक से वही उखड़ गया गलती से, इसको उखाड़ना ही था किसी भी तरीके से। तो बहुत मजबूती से चिपका होता है, ये भी निकल आया। इसको भी रह देते हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का है ये सर्किट। इसमें कोई ट्रांसफार्मर नहीं लगा है यार, कुछ इस तरीके से है। कैपेसिटर थोड़ा फूला हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये दोनों रेजिस्टेंस भी काले हो चुके हैं और ये भी मेल्ट हो चुका है। तो हम इसको रिप्लेस नहीं करेंगे, इसको जम्पर कर देंगे। तो पहले जम्पर कर देता हूँ मैं इसको। इस तरीके से यहीं से सोल्डिंग के द्वारा जम्पर कर देता हूँ। अच्छे तरीके से ये हो गया। अब इसको हम सीरीज लाइन 6 से चेक करते हैं एक बार। ऐसा है स्थिति इसका, कुछ इस तरीके से रख लूँगा, देख सकते हैं आप। इसको सीरीज लैंप से
चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, मेरा सीरीज लैंप ठीक है। तो अब इसको टेस्ट करके देखते हैं, कुछ यहाँ से पहले कर लेते हैं तो नहीं चला, फिर यहाँ से करते हैं तो ये शॉर्ट दिखा रहा है। तो चलिए कहाँ से शॉर्टिंग है इसको पहले अलग कर लेता हूँ। तो एक कैपेसिटर खुला हुआ है, मैं इसको पहले निकाल लेता हूँ, हो सकता है इसी का हो। तो कैपेसिटर निकल गया, फिर देखते हैं एक बार और कंफर्म करने के लिए कि क्या खराबी है। तो ये देखिए, ये जल चुका काफ़ी अच्छे से। मेरा इसका कैपेसिटर ख़राब था तो मैं इसका दूसरे किट से निकाल कर लगा दूंगा। ठीक है, कितने वाट का था, 450, 450 वोल्ट का कहाँ का था ये, 450 वोल्ट का है ये। ठीक है, इसमें 250 वोल्ट को भी लगा सकता हूँ। चलिए इसको लगा देता हूँ, फिर पैक कर देंगे। तो मैं इस किट का निकाल कर उसमें लगाऊंगा। ये 100 वाट का है, पता नहीं इसमें टिकेगा कि नहीं टिकेगा। चार सौ वाट तो इसी में को लगा देते हैं। बड़ा वाला होगा। ये थोड़ा साइज में बड़ा है लेकिन सेम वैल्यू का है, तो इसको लगा लेता हूँ पहले। ये इस तरह प्लस है कि माइनस है, कुछ इस तरीके से सफाई कर लेंगे। इसमें हम दो टांग लगा लेंगे। ये देखिए, इस तरह के तार लेंगे और कुछ इस तरीके से ऐसे मोड़ लेंगे। कुछ इस तरीके से छील लेंगे इसको। फिर बारी बारी से इसको घुसा देंगे यहाँ से। इसके बाद ऐसे करके कुछ इस तरीके से
कुछ इस तरीके से मैंने इसको लगा लिया। एक बार और टेस्ट कर लेते हैं सीरीज के जरिए। तो ये देख सकते हैं ये जल गया, ये हमारा ओके हो चुका है। तो इसको हम बैठा लेंगे कुछ इस तरीके से। और किसमें का है, इसमें का है, इसका है, किधर गया, तो दोस्तों इसको फिट कर लेते हैं। कुछ इस तरीके से कुछ इस तरीके से इसमें फिट कर लेता हूँ। ये एक लगा देता हूँ, एक गुम गया मेरे से, अभी इसको खोज कर लगा लूँगा मैं। तो इसको पहले फिट कर लेता हूँ इसको भी, ये इस तरीके से। और ये सीरीज लैम्प से चेक करके दिखा देता हूँ आपको। यदि वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों में शेयर करें। इस वीडियो में कुछ सीखने के लिए मिला हो तो धन्यवाद।